एज अ कैंडिडेट अगर आप अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जिसको हम मैट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि मैट होता क्या है, कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या इसके एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है क्योंकि इनकम टैक्स परस्पेक्टिव तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप आपका अकाउंट फाइनलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मैट का कैलकुलेशन प्रोवाइड करना होता है आपके ऑडिटर को, ठीक है। तो ये मैट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसको आज के सेशन में हम सिंपल तरीके से समझेंगे। हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल के थ्रू मैट काम कैसे करता है समझेंगे और इसके कुछ एडजस्टमेंट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको इन डिटेल हमारे कोर्स में हम समझते हैं। हम यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैट को एक सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर करूँ कि हम जो डिस्कस करें उतना मैट नहीं है, मैट में कुछ और भी एडजस्टमेंट है जो हमारे कोर्स में हम इन डिटेल समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है सर, मैट होता क्या है, ठीक है। मैट का मतलब है एक मिनिमम टैक्स जो कंपनीज को पे करनी होती है, मतलब मैट जो है वो खाली कंपनीज को एप्लीकेबल होता है। कंपनीज मतलब चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, कोई भी तरह की कंपनी हो, हर कंपनी पे मैट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो मैट है ये नॉन कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होगा। मैट एक मिनिमम अमाउंट है जो एक कंपनी को पे करना होता है। सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैट क्यों अप्लाई किया गया। सो मैट इसलिए अप्लाई किया गया कि पहले ऐसा होता था कि जो कंपनीज होती थी वो अकाउंट्स के हिसाब से जो फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करती थी, जो अपने शेयर होल्डर के लिए प्रिपेयर करती थी, उसमें प्रॉफिट तो काफी बड़ा चढ़ा के दिखाती थी। तो मैं इस प्रॉफिट की बात करूँ जो फिलहाल हम शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है, करेक्ट है, उसमें वो प्रॉफिट काफी कम या तो जीरो लेवल पे दिखाती है। और अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कम दिखा रहे हो, जीरो दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे टैक्स मिलेगा कैसे, कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल तरीके से मैट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो कंपनीज अपने प्रॉफिट को टैक्स के हिसाब से कम दिखा रही हैं या फिर जीरो दिखा रही है, तो हम उनसे कुछ ना कुछ तो टैक्स लें। तो मेन पर्पस जो मैट का इंट्रोड्यूस करने का है कि जो कंपनीज होंगी उनसे हम एक मिनिमम जो रेट ऑफ टैक्स है वो चार्ज करेंगे, वो मिनिमम रेट जो है वो है 15%। और जो 15% टैक्स होता है, ये 15% टैक्स आपको जो आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है उस पर कैलकुलेट नहीं करना होता, उसके लिए आपको एडिशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है जिसे हम बुक प्रॉफिट बोलते हैं। ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इसका क्या एडजस्टमेंट है, तो कुछ एडजस्टमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा भी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से कि जो कंपनीज जीरो प्रॉफिट कंपनीज या फिर कम प्रॉफिट दिखा रही है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से, मैं अकाउंट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, तो उनसे कुछ ना कुछ टैक्स लिया जाए, कुछ ना कुछ मतलब मिनिमम 15% लिया जाए। पहले 18.50 था, अब इसको 15% कर दिया गया, ठीक है। तो उतना टैक्स उनसे लिया जाए, लेकिन ये टैक्स हम नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं लेंगे, जो हमारा टैक्सेबल इनकम होता है उस पे नहीं लेंगे, हम इसके लिए एक नया प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसको बुक प्रॉफिट बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर क्या ये मैट में कोई एग्जेम्पशंस है? डेफिनेटली है। एग्जेम्पशन ये है कि जो भी कंपनीज ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में सेक्शन 115BAA फॉलो करें, जिनको 22% टैक्स है, या फिर जो 115BAB लाइक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए जो है जहां पे वो 15% टैक्स भरी, तो उन्हें मैट भरने की जरूरत नहीं है, वो मैट से जो है एग्जेम्प्टेड है, उन्हें मैट भरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो कंपनीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है उनको जो मैट का रेट कर दिया गया वो 9% कर दिया गया। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैट इतना नहीं है, मैट में और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। जस्ट मैं आपको एक समराइज कर रहा हूँ कि मैट में एक्जैक्टली आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि सर ये मैट काम कैसे करता है और इसे हमें कैलकुलेट करना कैसे होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लिमिटेड कंपनी का केस स्टडी कंसीडर किया। उस लिमिटेड कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो है 350 करोड़, और हमें उनका नेट टैक्सेबल इनकम जो हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स का प्रोविजन होता है उसके अकॉर्डिंग जो नेट टैक्सेबल कैलकुलेट करते हैं वो 2 करोड़ है। और इनका जो बुक प्रॉफिट है जिसपे हमें मैट कैलकुलेट करना होता है, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या एडजस्टमेंट अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, तो हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो बेसिकली 3.5 करोड़ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो बेसिक टैक्स रेट है वो अप्लाई करना है। तो सर बेसिक टैक्स रेट क्या है, तो बेसिक टैक्स रेट जो बेसिकली अगर आपको ध्यान हो कॉर्पोरेट टैक्स में, कि अगर आपकी कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो अगर 400 करोड़ तक है तो आप पे आप 25% कंसीडर करेंगे, और 400 करोड़ से अबव है तो वहाँ पे आप 30% कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 350 करोड़ है, तो मैं स्ट्रेट यहाँ पे 25% कंसीडर कर लेता हूँ। और जो मैट का रेट है वो आपको बेसिकली 15% कंसीडर करना है स्ट्रेट, करेक्ट है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोविजन है, तो यहाँ पे हम इसको 15% कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है बेसिकली सरचार्ज भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। सरचार्ज क्यों अप्लाई होगा सर, अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम या फिर जो बुक प्रॉफिट है अगर 1 CR के अबव जा रहा है, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है उन्हें 7% का सरचार्ज अप्लाई होता है, तो यहाँ पे हम 7% का सरचार्ज भी कंसीडर कर लेंगे। ये सेम आपको दोनों भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा, चाहे वो बुक प्रॉफिट हो चाहे वो नेट टैक्स बिल में हो। इसके बाद आपको 4% का सेस कंसीडर करना पड़ेगा, तो सेस आप कंसीडर करेंगे आपका दिस प्लस दिस, और इसके ऊपर 4% का क्या कंसीडर करेंगे, सेस, ठीक है, करेक्ट। सेम आपको यहाँ पे भी सेस कंसीडर करना होगा, और फाइनली आपका आ जाएगा
टोटल टैक्स, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है, अगर वो टैक्स आपके बुक प्रॉफिट पे जो आपने 15% कैलकुलेट किया करेक्ट पूरा टोटल करके, अगर वो उससे कम है तो फिर आपको नॉर्मल टैक्स के हिसाब से टैक्स नहीं पे करना होगा, आपको मैट के हिसाब से पे करना होगा। मतलब मैट मतलब इतना मिनिमम अमाउंट तो हम आपसे डेफिनेटली चार्ज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। तो ये मिनिमम अमाउंट जो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस केस में जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे तो नॉर्मल प्रोविजन 55 लाख आ रहा है, बट सर हमें तो टैक्स पे करने के लिए बोला जा रहा है 58 लाख का, ठीक है, करेक्ट है। तो जो आप एक्सेस पे करोगे, जब एक्सेस पे करोगे मतलब 2,78,000 जो एक्सेस पे करोगे, इसका आप मैट क्रेडिट ले सकते हो आने वाले 15 ईयर्स तक आप मैट का क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैट एक मिनिमम टैक्स है अंडर सेक्शन 115JB में, जो आपको बेसिकली मिनिमम उतना तो टैक्स भरना है, और अगर उस मैट की वजह से अगर आपने कोई एक्सेस टैक्स पे किया है तो उसका मैट क्रेडिट आने वाले 15 ईयर्स तक कंसिडर कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे मुद्दे की बात है कि बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने जो फाइनेंशियल्स प्रिपेयर किया होगा वो फाइनेंशियल्स में आ जाइए, उसमें आप आपका जो SPL स्टेटमेंट है उसमें आप यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम नेट इनकम के नाम से जानते हैं, ठीक है, करेक्ट है, उस नेट इनकम को कंसिडर करना है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने का मतलब सर कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। क्या सर हम सभी एडजस्टमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे कोर्स में इसको डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे कोई 3 एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे जो आपके काम के, जो आपको आंसर करने में इजी हो जाएगा अगर आपको कोई पूछे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है इनकम टैक्स का। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप करंट टैक्स माइनस करते हैं। ये करंट टैक्स में हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है आपका सरचार्ज भी हो सकता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सोर्स भी हो सकता है आपने इनकम टैक्स की ओनली प्रोविजन ही करी हो। तो अगर आपने इनकम टैक्स का कुछ भी एडजस्टमेंट किया, पेनल्टी छोड़ के, पेनल्टी के अलावा कुछ भी एडजस्टमेंट अगर आपने किया है तो उसको आपको ऐड बैक करना होगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाते हैं तो इनकम टैक्स की पेनल्टी वहां पे डिसअलाउड होती है, यहाँ पे पेनल्टी को डिसअलाउड नहीं किया गया, ठीक है, करेक्ट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब सिंपल तरीके से कि अगर आपका नेट इनकम अगर मान लीजिए 50 लाख है, करेक्ट है, तो उसमें आप इनकम टैक्स का अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट किया होगा तो वो आप ऐड कर देना, मतलब इनकम टैक्स उसमें ऐड बैक होकर कितना हो जाएगा, मेरा बुक प्रॉफिट 55 लाख हो जाएगा, ये पहला एडजस्टमेंट। दूसरे की अगर हम बात करें ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, सर ये क्या होता है? अगर आप अकाउंट फाइनलाइजेशन करते हैं तो वहां पे बहुत बार SPL के थ्रू रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जैसे जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया या किसी और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आपने रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर किया तो मैट बोलता है कि आपको यहाँ पे उस रिजर्व का जो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हम यहाँ पे SPL में बुक करते हैं एज अ डेबिट साइड, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर वो भी अगर आपने कोई ट्रांसफर किया होगा तो उसको आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो अगर हमने कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होगा, रिजर्व मतलब कोई भी रिजर्व, ठीक है, करेक्ट है, तो हमने कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होगा, मान लेते 2 लाख हमने ट्रांसफर किया तो वो भी ऐड बैक कर लेना। अब आप एक चीज ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा होता है कि हम रिजर्व से पैसा विड्रॉ भी करते हैं, तो जब हम रिजर्व में पैसा ऐड कर रहे हैं तो हम उसको डिसअलाउ कर रहे हैं मैट में, तो जब हम उसको विड्रॉ करेंगे तो वहां पे भी डिसअलाउड करते हैं विद सर्टेन कंडीशन जो हम हमारे कोर्स में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे फाइनल एडजस्टमेंट हमारा डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स क्या होता है हमने सेपरेट सेशन में डिस्कस किया, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बुक करी हो, मतलब कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसको माइनस किया होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर आपका डिफर टैक्स लाइबिलिटी होगा तो आपने माइनस किया होगा, उसको भी ऐड बैक कर लेना। मान लेते 1 लाख रुपए का मेरा डिफर टैक्स लाइबिलिटी, तो वो भी ऐड कर लेना। तो यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से बुक प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा 58 लाख रुपीज। रीजन बिंग ये चीज हमने ऐड की, बट मैंने खाली एडिशन बताया, बहुत सारी चीजें लेस भी होती है, और ऐड में खाली 3 चीज नहीं, बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट हमें करनी होती है जो हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपल तरीके से मुझे आपको खाली बताना था कि ये बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता कैसे, क्योंकि इसी बुक प्रॉफिट के ऊपर हमें जो बेसिकली 15% कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे मैट का जो एक कैलकुलेशन उसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।